हाँ हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जमा पर्ची जो पैसा जमा करते हैं वो पर्ची कैसे भरी जाती है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, ये है आपकी बड़ौदा यूपी बैंक की जमा पर्ची। यहाँ देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा जमा पर्ची। इसको कैसे भरेंगे, कैसे क्या करना है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, ये आपकी हो गई जमा पर्ची जिसमें हम पैसा भरते हैं। कैसे भरें इसको चलो हम बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये सबसे ये है आपकी ये रिसीविंग फॉर्म जो आपको अपने पास रखना है। यहाँ पे देखिए, ये दिया है दिनांक तारीख, आज की तारीख कितना है डाल दीजिए। आज हम डाल दे रहे हैं 13/6/2023। दोस्तों, ये तारीख हो गई। अब नीचे दिया है, देखो दोस्तों, यह दिया है शाखा, यानी आपकी बैंक कहाँ खुली है। जैसे हम कुरांव डाल दे रहे हैं। अब दिया है खाता संख्या, जो भी 14-15 का आपका खाता संख्या होगा आप अपने यहाँ खाता संख्या भर दीजिएगा। इस बॉक्स में हर कॉलम अलग अलग हैं। अब यहाँ दिया है दोस्तों के नाम, यानी जिनके नाम का खाता संख्या है, जो जिसका खाता में पैसा जमा करना है उनका नाम डाल दीजिए। मैं यहाँ जैसे डाल दे रहा हूँ राहुल, ये हो गया राहुल सिंह। अब यहाँ दिया है दोस्तों राशि, कितना पैसा आपको जमा करना है खाते में। यहाँ पे दिया है अंकों में, जहाँ हम डाल दे रहे हैं अंकों में 10,000। ये 10,000 आपका अंकों में हो गया। अब प्लस दोस्तों यहाँ डालना है 10,000, ये आपका इधर हो गया। और दोस्तों ये दिया है ये शब्दों में, हम शब्दों में कितना हमको पैसा भरना, जो यहाँ पर आप अंकों में भरे हैं सेम अमाउंट रहना चाहिए, वही यहाँ शब्दों में भरिए। 10,000 रुपये मात्र, ये आपका रिसीविंग होगा जो आपको अपने पास रखना है। अब दोस्तों यहाँ इधर साइड जो आपको बैंक में जमा करना है, यहाँ पर वह दिया है शाखा, आप शाखा यहाँ डाल दीजिए कुरांव, ये कुरांव हो गया। जिसके नाम से यहाँ जमा करेंगे पैसा जैसे खाते में, उनका नाम ये जैसे यहाँ राहुल सिंह डाले हैं तो यही से नाम यहाँ भी डालिए राहुल सिंह। अब तो दिया है दोस्तों, यहाँ दिया है दिनांक, आप यहाँ पे तारीख डाल दीजिए जो आज की है 13/6/2023, ये आपकी दिनांक क्या तारीख हो गई आज की। अब यहाँ पे आइए, यहाँ दिया है खाता संख्या, यानी बचत सावधि जमा खाता, जो भी खाता संख्या हो, चाहे आपका चालू खाता हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, चाहे सावधि हो, सावधि यानी जो फिक्स करते हैं पैसा उसको, तो यहाँ उसका हम खाता संख्या डाल देंगे। जो भी 14-15 का होगा आप अपना खाता संख्या भर दीजिए। अब दोस्तों दिया है यहाँ पे नगद नोट, यानी जैसे आपकी 2000 की नोट कितनी है, 500 कितनी है, 100 की कितनी है, 50 की कितनी है, 10 की, 20 की कितनी है, 10 की कितनी है। यहाँ दिया है नीचे सिक्का 5, 2, 1। अब जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पे ये 500 के हमको जमा करना है, 10,000 इस साइड आप भरे थे, तो यहाँ पे कितनी नोट हैं वो आप भर, यहाँ 20 भरते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। यहाँ भी आपको भरना है 10,000, ये आपका हो गया टोटल योग। यहाँ योग में कितना डालेंगे आप जो भी हो, 10,000 अमाउंट है आपका, 10,000 तो आप यहाँ डाल दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है रुपए शब्दों में, तो जो यहाँ सब अंकों में आप पैसा आप लिखे हैं वही यहाँ भी लिखिए शब्दों में, 10,000 रुपये मात्र, ये आपका हो गया। अब दिया है दोस्तों यहाँ नीचे आइए देखिए, यहाँ दिया गया हुआ आधार कार्ड नंबर, जो भी 12 का आधार कार्ड नंबर होता है आप यहाँ अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। अब नीचे दिया है पैन नंबर, जो पैन संख्या होता है यहाँ अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा। अब नीचे मोबाइल नंबर आपको दिया है, मोबाइल नंबर जो भी आप अपना आप डाल दीजिएगा। तो अब यहाँ आप दिया है जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जो आप जमा पैसा जमा कर रहे हैं, जमा तो कोई भी कर सकता है, निकालने के लिए आपको खाता धारक को स्वयं आना पड़ेगा।
यहाँ पर उनका जमा खाता खाता कर दीजिए। दोस्तों ये आपकी पर्ची हो गई, आप इसको बैंक में जमा कर दीजिएगा। अब दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम रखते हैं, गुड बाय।